अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप मेरे पीछे यार बुकलू को देख रहे होंगे, किधर गया ये? है इसको यार हमने गोड जून से बाइट निकाल लिया, इसकी आज हमने करनी है डिवॉर्मिंग। इसके पेट में ना काफी कीड़े हो पैदा हो गए हैं, तो इसको डिवॉर्मिंग करनी है। पहले से ही है, हमने इसको बहुत से डिवॉर्मर दिए हैं यार, मगर हमें इसका वेट ने बोला था कि इसको ना जेंटल दे के देखो, उससे ये बेहतर होगा। तो काफ़ी डिवॉर्मर देने के बाद भी यार इसकी सेहत नहीं सही हो रही, इसके वर्म ख़त्म नहीं हो रहे हैं इसके अंदर से। तो अब हम इसको देंगे जेंटल, और उसने बोला था कैसे इसको देना है वो हम आपको सारा बताते हैं। अभी इसको जेंटल देते हैं। लड़ाइयाँ कर रहा है भाई, तोड़े के साथ लड़ाइयाँ कर रहा है। वाह भाई वाह, अरे बबलू नहीं करो, तोड़े को गिराना है। गुस्सा आ रहा है, चारा लेट हो गया थोड़ा सा, सॉरी सॉरी डालते हैं। पहले चारा डालना है तो बबलू को भी तो खिलाना है ना। चलो ठीक है, बबलू ऐसे डिवॉर्मिंग करवाएगा हमसे? करवाएगा, करवाएगा, करवाएगा। जो भी करवाएगा। चलो भाई, बबलू इधर आ जा यार, तू इधर आ जा, 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 इस तरफ आना, ये वाली खुल्ली पे आ जा, ये वाली खुल्ली पे आ जा। इधर अभी चारा आने लगा है तो इधर खाई। नहीं भाई उसने उधर ही जाना यार, शोपर नीचे गिरा दिया फिर। इधर आ जा, इधर आ जा, नहीं आ रही भाई इधर। मैं रेशमा को इधर भेजता हूँ। रेशमा चल नीचे, ये देखें अपनी गुल्ली पे चारा नीचे गिरने नहीं देती, उसकी गुल्ली पे चारा नीचे गिरा देती है। चल 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 उधर 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 चारा डाल दिया है रेशमा, डाल दिया चारा उधर, डाल दिया चारा। पकड़ो इसका कान, जिद की पक्की है अपनी वो। छोड़ दो इधर ही, वो आ गई है मक्की जी, नहीं आ गई है ना, बस ठीक है। चल चले तू भी, चल अपनी अम्मी के साथ जा। और ब्राउनी ने अपनी जर्सी का हाल देखे, क्या किया, सारी फाड़ ली है ब्राउनी। ये क्या किया गंदी बच्ची। हाँ जी, इसको देना डिवॉर्मर। यार अभी हमारी मुर्गियां भी खोलने वाली रहती हैं और कबूतर भी खोलने वाले रहते हैं। आज तो मैं कहता हूँ अभी कुछ भी नहीं खोला, सील पेयर में खोल के आया जो भाई। एक मिनट, नहीं नहीं यार, थोड़ी देर खोल लेते हैं उसको, बंद कर देंगे। अब सारों को खोल लेना, शाम हो जाएगी तो जितनी देर हमने इसकी डिवॉर्मिंग करनी है उतनी देर वो फिर लेंगे। नहीं बस ये किया, ये दो होंगे, ठीक है भाई, तीन होंगे। चलो इधर आई, चलो लेकिन इसकी पहले डिवॉर्मिंग कर लेना, चारा भी खाई जा और डिवॉर्मर भी पी जा। इधर आ जा, इधर आ जा, चलो अब कितना को रह गया, एक इंजेक्शन हो रहा है कि दो हो जाएंगे। मैं इसमें पानी मिक्स कर रहा हूँ ना, इसने बोला था सारे का सारा इसको पिलाना है। अच्छा, एक सारा पिला देना है और फिर एक पाँच दिन बाद फिर इसको पिलाना है, दोबारा से इसकी डिवॉर्मिंग करनी है। ठीक है, ये ले भाई बबलू, इधर आ। बबलू इधर आ गया, अब इसको हम इधर पिलाने लगे हैं। तूने भाई कितनी पिलानी है, बेचारा थक जाएगा पी पी के। डिवॉर्मर वो है ही नहीं इतना ज्यादा, इसमें थोड़ा सा तो है, मेरे ख्याल से 10 सीसी होगा या 15 सीसी होगा। और दोस्तों एक बात अभी आपसे और करनी है, पहले बबलू से हम फ्री हो जाए फिर आपसे बात करनी है। एक नहीं काफी बातें करनी है, सारे व्लॉग्स में बातें ही तो करनी है हमने आपसे। चलो भाई एहसान, ये तो हो गया खाली, खाली हो गया। हाँ नन्नी सी बोतल है, इसको इसमें डाल लो। बबलू बबलू अज्जा, ये लास्ट है, लास्ट है, बस लास्ट है, बस लास्ट है। चलो यार भाई आप कबूतर खोलो, मैं खोलता हूँ मुर्गियाँ, और उसके बाद एक बैड न्यूज सुनाते हैं, दो चार गुड न्यूज सुनाते हैं, फिर अपने व्लॉग का एंड करते हैं। बैड न्यूज मैं बताता हूँ ना आपका भी, रुक जाओ। बल्कि ये उठाते ही नहीं है भाई, राजा भाई आजो 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 भाई आजो आजो भाई आजो 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 आजो। ओए जाल में ना फंस जाना,
इधर आ गए हैं भाई, गुजरेंगे वहां से जाल के। एक दिन लग गया था जाल के अंदर कबूतर, एक कोई भी था इनमें से ही था कोई एक। पानी 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 का इंतजार कर रही है डग। वाह 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 भाई, इसके एक्सप्रेशन देखें, फेस एक्सप्रेशन देखें इसके, किस तरह पानी के लिए बेताब है। इधर उधर जाएगी पानी के लिए जाएगी, ये देखें। एग्जैक्ट वही जगह पे जाती है जहां पर पानी का किनाली पड़ी होती है ना, पानी की किनाली पड़ी होती है, एग्जैक्ट वही लोकेशन पर जाती है। जर्जे भाई आप इनको दाना डालो, गोल्डन बफ और गोल्डन बफ और असील को भी डाल दो। मैं ना बेबी, मैं बेबी चेक करने जा रहा हूँ, बेबी चेक करने जा रहा हूँ। हेलो जी। हाँ जी भाई, बेबी कैसा है? हाय हाय हाय, क्यूट सा। अब मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ये किसका बेबी है। किसका लग रहा है? ब्लैक हेड का। ब्लैक का लग रहा है ना। लेकिन ये वाइट होगा, सारा वाइट होगा। चल भाई बैठ जा, शाबाश। हाँ जी भाई, पूरे 5, 7, 9, 10, 12 घंटे बाद तुमसे मुलाकात हो रही है। कोई गुड न्यूज है क्या? नहीं आया हमें बता दो। गुड न्यूज क्या? डब का बेबी निकलेगा अभी, अभी नहीं निकला, अभी निकलेगा है क्या? ये देखो, एक दिन बाद ही निकल जाता है इसको। वाओ, ठंडा लिया हुआ है ना नीचे। अभी तो नहीं उठा के लेके चुका। नहीं नहीं, चूहे ने कोई नहीं चुका था यार। हाँ, इसने अंडे ही नहीं दिए भाई। यार इसे भाई, इसको दाना डाल दो। कॉकटेल तुमने, मुझे लग रहा है कि कसम खा ली है कि हमने अंडा नहीं देना। बता दो, अगर अपनी जुबान में आप बताना चाहते हो तो बता दो, कोई मसला नहीं है। हमारे व्यूअर्स आपकी जुबान समझते हैं, बोलो, कोई चक्कर नहीं। ठीक है भाई, कोई चक्कर नहीं, अंडे शंडे का कोई चक्कर नहीं है। यार मुझे सबसे अच्छी ना डव लगी है कि इन्होंने आते ही हमारे सेटअप पर अंडे दे दिए। बाकी जोन सा भी परिंदा, जोन सा भी जानवर है, उसने अपना टाइम लिया एक इधर एडजस्ट होने में और फिर अंडे देने में। और इन बिचारियों के सर पता नहीं कौन फाड़ देता है। यही डव है मुझे लगता है, मेल ये है, फीमेल इनक्यूबेट कर रही है अंडे। जे भाई ये तो दोनों मिलकर इनक्यूबेट करते हैं, ये क्यों नहीं कोऑपरेट करते? इसको पता ही नहीं है मेरी फीमेल कहां पे नेस्टिंग करके बैठी है, चुपके तो वो बैठी है। इसको दिखाती हूं, देखो वो भी मारने गया था उसको। इसको पकड़ो, देखो ये भी मार रहा है, इसको मार रहा है, मार रहा है। इसका भी सर फटा होना चाहिए ना सबकी तरह। यार ये बहुत बदतमीज है। पकड़ो जरा इसको, इसकी फीमेल तो दिखाएं। एक मिनट आता हूँ ना यार। ओए, ये तुम्हारी फीमेल बैठी है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? इधर आके कोऑपरेट किया करो उसके साथ, बेचारी बैठ बैठ के थक जाएगी, कमजोर हो जाएगी वो। चलो जाओ, शाबाश। हाँ जी, क्या कह रहे थे अब बताओ? यार ये देखो बेबी कितने प्यारे कलर का हो गया, और तीनों ऊपर बैठ जाते हैं जाके। ओए इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ है? ये देखो इसको सारा ब्लड लगा हुआ है यार। वो ऊपर चला गया वापिस, वो बैठा हुआ। हाँ हाँ, नहीं नहीं यार, येलो है सारा, क्या हो गया तुझे? ये आ गया यार, ये देखिए सारा ब्लड से भरा हुआ है। इसका इतना ब्लड कहाँ से निकला होगा? ओए ओए यार, पकड़े सान जल्दी जल्दी, इसको देखे इसने किसी को ना मार दिया यार, कहीं पे ये ना डब को मारता हो। इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसको चेक करें यार, देखो इसका ब्लड इतना कहाँ से निकला है। तो खैर यार, इस पैरट को मैंने छोड़ दिया है, इसके पर पता नहीं कहाँ से खून लगा, मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस डब के सर से लगा, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा ना इसका सर फटा है। पता नहीं कौन फाड़ता है इनके सर में, समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है यहाँ यही तोता फाड़ता है। लेकिन दोस्तों एक बात मैंने नोट किया है, पहले ये हमारे पास डब नहीं थी ना, हमारी सारी डब ठीक थी, हमारे सारे पैरेट ठीक थे। जब से ये आई है ना, काम खराब होना शुरू हो गया है। ये जो सा बच्चा है ना, ये निकल आएगा तो 5-7 दिन का होगा, फिर हम बच्चा हैंड टेम कर लेंगे और ये डब का पैर हम वापस भेज देंगे। और यार जाते जाते देख लूँ मैं डब को, इसने अंडे दिए हैं यार, अच्छे इनक्यूबेट कर रही हैं। जी भाई कैसी हो? तो ये देखें, इनकी लड़ाई हुई है आपस में किसी की, अंडे। अंडे नीचे गिर गए ना इसके भी यार, ब्लड भी था थोड़ा थोड़ा अंडों में। रे भाई को मैं बाहर जाके बताता हूँ,
के यार उसके अंडे डब के ना गिर गए। जोए भाई क्या डब के अंडे टूट गए? वो जिसने दिए थे अंडे कॉर्नर में, मैंने आपको कहा था ना वहाँ पर कोली उठा देते हैं उसके ऊपर से, आप मेरी बात नहीं मानी आपने। यार वो देती गलत जगह पे है ना, अब यहाँ से जब हम जाएंगे तो इनका सही से प्रॉपर से सेटअप लगाएंगे, डब के लिए अलग से छोटे छोटे कैबिन बनाएंगे जिस तरह पिजन्स के होते हैं, इस तरह डब के अलग से बनाएंगे और पिजन्स के भी कैबिन बनाएंगे, ये क्रेट वगैरह उठा देने इनको फेंक देंगे। तो ठीक है चलो जी, जल्दी जल्दी खाओ दाना और अंदर जाओ गोल्डन बफ फसील। ओके हो गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।